हेलो दोस्त, अभी हम पिछले वाले चैनल पे रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने असिस्टेंट लोको ड्राइवर की नई भर्ती के बारे में बात किया गया था, जिसमें सारे डिटेल दिए थे लेकिन कुछ प्रश्न छूट गए थे। कैसा है प्रश्न, कैसा होगा सिलेक्शन, कैसे होता है मेडिकल, कितना ईजी आता है प्रश्न वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ हमने 4-5 क्वेश्चन को ही ध्यान दिया है कि यूटिलिटी पावर टेक कितने स्थानों पर काम करती है, 5 ईयर नौकरी करने के बाद छोड़ देगा, डिप्लोमा अलाउड है या नहीं, और एग्ज़ाम फी कितना लगेगा और सिलेबस क्या है। तो कुछ लोगों को जागरूक होगा कि ये रेलवे लाइफ का नया चैनल है क्या, तो ये दोस्त पुराना चैनल था जिसको पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और ये करीब करीब कह सकते हैं कि 12 मंथ हो गया इस पर कोई वीडियो मैंने अपडेट नहीं किया था। तो आज संडे भी है तो थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं इसी चैनल पे इसको अपडेट कर दूँ। इसके लिए मैं आपको रेलवे लाइफ चैनल पे अपना इसका वीडियो शेयर कर दूंगा, जो कैंडिडेट होंगे वहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, 2-3 चीज़ों को जानकारी है। सबसे पहले तो फ़ी के बारे में बात कर ले, तो फ़ी के बारे में कोई नहीं लिखा हुआ है। इसकी जाँच करने के लिए हमने वेबसाइट पर भी गया और अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक फ़ी का दूसरा प्रोसेस आ गया है, और फिल करने का दूसरा प्रोसेस में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी हमने खोल के देख लिया। यहाँ अपलोड करने के बाद भी देख लिया कि फोटोग्राफ आपका सिग्नेचर है, उसके बाद अपलोड आईडी आधार कार्ड के रूप में वगैरह वगैरह देना है, वो भी है। सबमिट एप्लीकेशन, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन है और प्रिंट आउट एप्लीकेशन है। यहाँ तक में कहीं एक प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है कि फ़ी आपको जमा करना है। तो इस हिसाब से ये बिना फ़ी का एग्ज़ाम है और इसमें आप बिना फी के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, लोगों का सवाल आया था कि सिलेबस क्या होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, जिनको चाहिए कि मैं ये जॉब अप्लाई करूं, तो उनके लिए तो सिलेबस और कितने नंबर का पेपर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए इसको ले दे के आ जाता हूँ। पहले सिलेबस का तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं 2017 का एग्जाम्पल पता किया, मुझे पहले नॉलेज नहीं था, मैंने ये पता करके बता रहा हूँ। कुछ लोगों को कॉमेंट आया था, तो इसमें देखिए सिलेबस में ये बोला गया है कि आपका हिंदी और इंग्लिश में आपने नोटिस में भी देखा होगा पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये भी देखा है आपने, और 2 आवर यानी 120 मिनट की पेपर होगा ये भी आपने देखा है। उसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 में नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने देखा होगा क्या क्या सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर आपको पता ही है फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है और डीजल मैकेनिक है। 3 ही ट्रेड का एग्ज़ाम है और तीनों ITI का है। और कुछ लोग का जो कमेंट था कि डिप्लोमा अलाउ हो या नहीं है, तो यहाँ देखिए डिप्लोमा कोई अलाउ नहीं है, केवल ITI का पोस्ट है। और इसका कारण ये है कि इसमें कम सैलरी देना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे केवल ITI अप्लाई है। और डिप्लोमा के लिए तो जॉब क्वालिटी थोड़ी अच्छी चाहिए एजुकेशन के हिसाब से अगर चले तो, लेकिन भारत के कंडीशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि चलिए पहले इंट्री तो हो जाए आगे हम देखेंगे, तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन ITI के लिए जॉब है। तो यहाँ पे ये तीनों मिला के तीनों ट्रेडों का क्वेश्चन रहेगा और 70 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से कॉमन प्रश्न ज़्यादा होने के चांस है सभी का ट्रेडों का रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें आपका रहेगा, यानी इसमें आपका मैथ भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, रीजनिंग भी है, और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर वाला भी टॉपिक होगा। ये 50 नंबर है, यानी 70 पार्ट 1, 50 आपका पार्ट 2, टोटल मिला ले 120, करने के लिए टाइम मिलेगा 120। और नेगेटिव की बात करते हैं कुछ लोग, तो 1/3 नेगेटिव का स्कोर होगा ये ऐसा बताया गया है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं है। अब कुछ लोगों का क्वायरी आता है कि पेपर इजी होता है या डिफिकल्ट होता है, तो पेपर इजी ही लेवल रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें डिप्लोमा ऑलरेडी अलाउ नहीं है, ITI वाले एक ही क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट हैं, इसलिए पेपर इजी बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब तीसरा सवाल लोगों का था कि डिप्लोमा वाला तक हमने 3 प्रश्न का कर लिया, चौथे का हमें करना है। चौथा था 5 ईयर बाद नौकरी निकाल देगा क्या, और यूटिलिटी पावर टेक कितने स्थानों पे काम कर रही है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो दोस्त हमारे लिए नया है, हमें नहीं पता है कि यूटिलिटी पावर टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड या कह सकते हैं लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये तो पता कर सकते हैं ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है और कितने क्षेत्रों में कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट में, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि ये 5 साल बाद नहीं निकालेगा, क्या नहीं क्या करेगा, आपको जॉब 5 साल के बाद भी रखेगा। ये 5 साल का टाइम इन्होंने दिया है कि 5 साल मिनिमम आपको करना ही करना जॉब है। क्यों? क्योंकि आप एक बार ज्वाइन करते हैं तो आपको बॉन्ड भराना है, और बॉन्ड में 6 लाख रुपए है, और एक कैंडिडेट ने भी बताया कि 6 लाख के अलावा 18% GST है,
यानी ये 18% को अगर 6 × 12 = 20 के आसपास ये भी हो जाएगा, यानी 7-10 या 7-18 लाख के आसपास का बॉन्ड है, जो बहुत मायने रखता है कि कोई अगर ज्वाइन कर लिया तो जल्दी छोड़ नहीं पाएगा, तो ये भी एक मायने है। इतनी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवे मेट्रो में भी नहीं लगता, तो ये बहुत बड़ी आपकी लिए नुकसान है। लेकिन हम चलते हैं डिटेल पे कि कितने क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा हमें एक मिनट ध्यान से जाना पड़ेगा इसके वेबसाइट के होम पे। तो मैं वेबसाइट के होम पे अगर आ जाऊँ तो वेबसाइट के होम पे आ गया यहाँ पे, और होम पे आ गया, देख लीजिए कहाँ कहाँ इसका काम चलता है, ये देख लीजिएगा कितना है। तो सबसे पहले इन्होंने रीजन में डिवाइड कर लिया है अपने ऑपरेशन साइट को, हमने ऑपरेशन साइट को इनका खोल रखा है, कहाँ कहाँ पे इनकी काम चल रही है, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले NCR आप जानते हैं, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र को NCR बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो इसके देखिए हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद राजस्थान में देखिएगा बरान, अंटा, औरैया उत्तर प्रदेश, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, बदरपुर दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा और झज्जर, इतने स्थानों पे है। और इतने स्थानों पे भी जो पोस्ट हैं, जितनी जिस काल से क्वालिफिकेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह ALD की ही पोस्ट होगी, क्योंकि कुछ प्लांट छोटे भी हैं, कुछ प्लांट बड़े भी होते हैं, तो उस प्लांट के लोकेशन के अनुसार से होता है। तो इतने यहाँ पे लोगों को दूसरे पोस्टों टेक्नीशियन वगैरह को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके इसी तरह वैकेंसी निकाल के रखते हैं। उसके बाद ER में देखिएगा कितने हैं, पटना, बिहार, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, राजगढ़, झारखंड, बहुत सारे हैं, असम, भागलपुर बिहार है आपका, कटिहार है, नहीं कन्हैया अंगुल है। उसके बाद आप देखिए कितने सारे हैं, दानापुर भी दिया हुआ है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है, बोकारो है, झारखंड है, बरसलाई है, मतलब बहुत जगह है। उसके बाद नॉर्दर्न में देखेंगे तो नॉर्दर्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों का 4 और 5 है। उसके बाद आप देख सकते हैं साउथर्न में 4-5 है आपका। उसके बाद आप देखेंगे WR में देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों पे हैं, यानी इतने जगहों पे आपका यूटिलिटी पावर टेक के इम्प्लाई काम कर रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं स्टेबिलिटी तो है जॉब में, लेकिन पैसे कितने देता है यह भी क्लियर नहीं है। तो पैसे के रूप में लिखा है कि मैक्सिमम हाईली स्किल का जो पेमेंट होगा वो आपको दिया जाएगा, हाईली स्किल के रूप में इन्होंने पेमेंट की बात किया है। तो अगर आज के गवर्नमेंट के रेट के देखें तो करीब 800 प्लस हाईली स्किल का पेमेंट है आज के डेट में एक दिन का। अगर इससे हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24-25 के आसपास करीब करीब बैठता है। और उसके अलावा आपको अलग अलग अनाउंस 25,000 की बात करेंगे, 1000 में ये सैलरी बनती है। तो मान लेते हैं ऑफिशियल हम तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो 20-25 हज़ार के आसपास सैलरी मिल सकता है, ये अनुमानता है। अब कुछ लोगों का ये रहेगा क्वायरी कि ये परमानेंट है या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो यूटिलिटी पावर के बारे में आपने पहले ही जान लिया है कि NTPC और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50-50 पार्टनरशिप है। तो इसको आप गवर्नमेंट समझिए या प्राइवेट समझिए, हम ना तो पूरी रूप से गवर्नमेंट कह सकते हैं ना पूरी रूप से प्राइवेट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट है, बीच की कंडीशन है। अब इसमें ये सारा डिटेल हो गया। अब इसके अलावा कुछ लोगों का क्वायरी आ रहा था कि इसमें एग्ज़ाम देने के बाद क्या हमें निकाल देगा, तो निकालने वाली बात तो हमने डिस्कस कर लिया कि मुश्किल है क्योंकि ये रखना है। और साथ में देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था ना 6 लाख प्लस GST, यानी 18% GST लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7,10,000 से 18,000 के बीच में जाएगा, यानी 7-10, 7.25 कह सकते हैं, लगभग आपको देना है इसके अगर 5 साल से पहले छोड़ देते हैं तो। ये डिटेल था पूरा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, हमें नहीं लगता कि आपकी सारी प्रश्न को हल मिल गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।